अब सीजन आ चुका है आम का, और शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे आम पसंद नहीं होगा, लेकिन जिन्हें आम पसंद है उन्हें हमेशा एक ही शिकायत रहती है कि भाई ये आम सिर्फ गर्मियों में क्यों आता है, पूरे साल क्यों नहीं मिलता। तो वैसे ही आम लवर्स के लिए आज खाना इंडिया की टीम पहुंच गई एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको 365 दिन आम रस मिलने वाला है, वो भी एकदम बढ़िया क्वालिटी और टेस्ट के साथ। तो यहाँ पे 365 दिन आम रस कैसे मिलता है और आपको ये खरीदना है तो आप कहाँ से खरीद सकते हो, वो सारी जानकारी अगर आपको जाननी है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ढेर सारी क्वांटिटी में लाई जाती है पके हुए आम। ये आम है गुजरात के बहुत ही फेमस केसर आम, जिसका रस बहुत ही मीठा और बढ़िया निकलता है। तो ये सारे आम अब जाएंगे धुलाई के लिए। इसके लिए भैया ने ले लिया है बड़ा सा पतीला, अब उसके अंदर पानी भर रहे और एक साइड से डाले जाएंगे थोड़े थोड़े करके सारे आम। तो आप देख सकते हो कि पतीले को धीरे धीरे कर कर आम और पानी से भर दिया गया है और हर एक आम की अच्छी तरीके से सफाई हो रही। पानी से अच्छी तरीके से सफाई हो जाने के बाद आम का ऊपर का हिस्सा कट करके निकाला जा रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक आम को अच्छी तरीके से चेक करके और बारीकी से सफाई करके ही आगे की प्रोसेस के लिए भेजा जा रहा है। तो अब ये सारे आम जाएंगे धीरे धीरे करके रस निकालने के मशीन में। तो ये आप देख सकते हो कितनी सारी क्वांटिटी में यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है और ये आम जा रहे धीरे धीरे करके मशीन के अंदर और ये एक साइड से ढेर सारी क्वांटिटी में रस बाहर निकल रहा है। आप देख सकते हो रस का कलर कितना बढ़िया दिख रहा है और दूसरी साइड से सारा वेस्ट यानी कि छिलके और गुठलियां निकल रही है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे हर रोज बहुत सारी क्वांटिटी में मैंगो की सीजन में होती ही रहती है। तो यहाँ आप देख सकते हो रस की नदियां बह रही है भाई। अगर ये देखकर आपके भी मुंह में पानी आ गए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये रस के साथ डाला जाता है थोड़ा सा बर्फ। और यहां से ये रस जाएगा ये पाइप के थ्रू बड़े से टैंक में। तो आप देख सकते हो भैया ने टैंक में भी ढेर सारा बर्फ डाला है। बर्फ रस में इसलिए डाला जाता है ताकि आम के खट्टेपन से आगे भैया जो दूध डालने वाले वो फट ना जाए। तो आप देख सकते हो मशीन में ढेर सारा बर्फ डाल दिया गया है और ये सारे बर्फ को रस में अच्छी तरीके से मिक्स किया जा रहा है, वो भी मशीन से हाइजीनिक तरीके से। तो आप देख सकते हो ये बड़ा सा टैंक है जिसमें अभी 1200 लीटर रस बन रहा है। ऐसे यहाँ पे दो टैंक है और वो अभी फुल्ली रस से भरे हुए। तो अब इसमें जाएगा रस में चीनी ताकि रस से खट्टापन दूर हो जाए। तो अब ये सारी चीनी को अच्छी तरीके से मिक्स किया जा रहा है और भैया वापस से डाल रहे हैं अंदर चीनी। अब चीनी पड़ जाने के बाद इसके अंदर जाएगा अमूल का गोल्ड वाला दूध। तो धीरे धीरे करके भैया सारा दूध अंदर खाली कर रहे हैं और मशीन में अच्छी तरीके से वो सारी चीजें मिक्स हो रही है। अब ये फाइनली रस बनके रेडी हो चुका है और वो जाएगा 20 लीटर के एयर टाइट कंटेनर के अंदर। तो आप देख सकते हो कंटेनर को धीरे धीरे करके भरा जा रहा है और ऐसे सारे कंटेनर यहाँ पे भरे जाएंगे और कोल्ड स्टोरेज में रखे जाएंगे ताकि आपको 365 दिन ताजे रस का मजा मिल सके। और अब इसे अच्छी तरीके से एयर टाइट ढक्कन से पैक कर दिया जाएगा। और यहाँ दूसरी साइड टैंक में से रस को निकाल कर बड़े से पतीले में खाली किया जा रहा है और उसमें से भरे जाएंगे 500 ग्राम और 1 किलो के पाउच। यहाँ हर एक की जरूरतों का ध्यान रखा जाता है। अगर आपकी जरूरत छोटी है तो आप 500 ग्राम या 1 किलो का पाउच भी ले सकते हो और आपकी जरूरत बड़ी है तो आप 20 लीटर का कंटेनर भी ले सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पाउच भी ऑटोमेटिक मशीन से ही रेडी किए जाते हैं। तो अब ये सारे पैक हुए कंटेनर जाएंगे कोल्ड स्टोरेज में। तो अभी मैं खड़ी हूँ 15 डिग्री के ये कोल्ड स्टोरेज में
आप देख सकते हैं यहाँ कितना सारा स्टोरेज किया रस का, तो आप यहाँ से पूरा साल रस खा सकते हो। यहाँ पे आपको ऐसे पाव भी मिल जाएंगे, तो इसे ऑर्डर करके जरूर से खाइएगा। तो ये रस बनने का आपने पूरा प्रोसेस देख लिया है, अब मैं इसे आपको ट्राई करके बताऊंगी कि ये कैसा है। जबरदस्त टेस्ट है, बहुत ही बढ़िया। ये मैंने तो ट्राई कर लिया, अगर आपको ट्राई करना है तो आपको जाना पड़ेगा। तो आज का अगर आपको वीडियो पसंद आए और ऐसे ही मजेदार वीडियोस आपको देखने हैं तो खाना इंडिया का पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।